देखिए, जो एक जूलॉजिकल पार्क बनना है यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, उसके लिए बनखंडी में लगभग 200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है उसको चयनित कर लिया गया है। और इसमें जितने भी हमारी पब्लिक यूटिलिटीज़ थी, कुछ बिजली की लाइंस थी उस लैंड के ऊपर, कुछ पानी की पाइप्स थी, एक छोटा टेंपल भी उस लैंड के ऊपर है, उनको रिलोकेशन के लिए जो कार्य इस समय चल रहा है। साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक जो अपना लेआउट प्लान है उसको बनवा लिया था और वो सेंट्रल जू अथॉरिटी को सबमिट किया था, और सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल उस लेआउट प्लान के लिए भी मिल चुकी है। और अब जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट द्वारा जो कार्य है इसमें आगामी वो किया जा रहा है, और जल्दी ही उसकी जो एक जो चार दीवारी है, साथ ही साथ जो बाकी इश्यूज हैं, क्योंकि वहाँ से नेशनल हाईवे भी क्रॉस कर रहा है और एक नेशनल हाईवे के ऊपर ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज जो अंडरपास बनाने की जो एक जो प्रक्रिया है उसको भी अमल में लाया जाएगा, और इसलिए अब वो NHAI को रिक्वेस्ट किया गया। और बाकी जो कार्य है वो भी इस समय जो चल रहा है, जो हमारी पाइप्स है उस एरिया को, उनको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, तो जल्दी ही जो धरातल पर उसका जो कार्य है जू का वो शुरू किया जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। और वहाँ पे लगभग जो जो इनकी तरफ से जो डेडलाइंस हैं, लगभग 1.5-2 साल के अंदर पहला जो एनक्लोजर है जिसमें सफारी भी होगी, वो उसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। मेक श्योर टू प्रेस लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द न्यूज़ रडार।